सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रंजय टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के मेट्रो स्टेशन पर, जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से यह स्टेशन है, इसका नाम रखा गया है। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये लाल किला है, आगरा का मशहूर किला, और यहीं पर ये स्टेशन है डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। और आपको लेके चलते हैं आज हम मेट्रो के सफ़र पर, और क्या क्या सुविधाएं हैं और क्या क्या विशेषताएं इस मेट्रो स्टेशन की, डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर। आइए लेके चलते हैं आपको। ये मेरी ज़िंदगी का दूसरा मेट्रो सफ़र है। सबसे पहले एक बार मेरे भाई थे, प्रेम स्टूडियो जो आगरा में, वो लेके गए थे हमें, और आज हम अकेले ही इस सफ़र पर गुजर रहे हैं। और ये हम अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले तो हम जब किसी भी ट्रेन में अगर सफ़र करते हैं तो पहले टिकट का व्यवस्था देखते हैं, कहाँ से टिकट प्राप्त की जा सकती है। और हम सबसे पहले टिकट घर का काउंटर देखेंगे। तो दर्शकों, एक जानकारी आपको हम देना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मेट्रो प्रारंभ की गई थी, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, क्योंकि दिल्ली से नोएडा पर। उसके बाद में अखिलेश यादव जी ने भी प्रारंभ की है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये तीसरी जो मेट्रो है, ये वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये प्रारंभ की गई है। और हम चलते हैं इस मेट्रो के सफ़र पर। आप देख सकते हैं दो तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर, एक तो स्लाइडर के द्वारा और एक सीढ़ियों के द्वारा। तो हम आपको सबसे पहले स्लाइडर पर ही लेके चलते हैं। तो हम अब चल चुके हैं स्लाइडर पर। आप देख सकते हैं बड़े ही आसानी से हम जा रहे हैं बेसमेंट में। बाहर तो गर्मी है, अब जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर सर्दियाँ, मतलब एसी चालू हो गए हैं, मौसम वातानुकूलित होता जा रहा है। और हम उतर चुके हैं सीढ़ियों से, थोड़ी सी घबराहट भी होती है, आज हम दूसरी बार मेट्रो का सफ़र करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पे टिकट घर देखते हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर हम उपस्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग मेट्रो में घूमने आए हैं। और सबसे पहले हम टिकट लेते हैं। और ये हमारे टिकट घर पर है। ये बोर्ड है जिसमें कहाँ से कहाँ तक के लिए ये किराया है। एक स्टेशन का किराया 10 रुपये, दो स्टेशन का किराया 15 रुपये, और 6 स्टेशनों का किराया 20 रुपये है। दर्शकों, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी मेरे को, मेरे पास कैश नहीं था और ऑनलाइन में दिक्कत आ रही थी। तो मैं, ये हमारे भाई हैं जुल्फकार जी, जिन्होंने हमारी मदद की और हमें यहाँ पर जो 50 रुपये दिए, हमने ऑनलाइन करके इनसे ट्रांसफ़र करवाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हम चलते हैं अब मेट्रो स्टेशन के बेसमेंट में और हम नीचे जाना प्रारंभ हो चुका है हमारा। और आज का ये दूसरा हमारा मेट्रो सफ़र है, पहले हम दिल्ली में भी सफ़र कर चुके हैं। और
अब नीचे आते हुए ओके। और ये आगरा का डॉक्टर अंबेडकर मेट्रो चौक स्टेशन है, जहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन का नाम इसलिए रखा गया था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 18 मार्च 1956 को यहाँ आगरा में आए थे, जहाँ पर एक रामलीला मैदान है वहाँ पर आकर जनता को जागृत किया था। और अब हम स्टेशन, अब हम टिकट लेंगे सबसे पहले, क्योंकि हाँ तो दर्शकों अब हम ये टिकट ले चुके हैं और आज के इस मेट्रो के सफ़र में चलते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा बैग वगैरह चेक किया जाएगा। तो दर्शकों हम अपना बैग चेक करवा लेते हैं और फिर आगे चलते हैं और हम ये टिकट यहाँ पर चेक करा दें। ओके अब एंट्री हो चुकी है हमारी। तो दर्शकों कितना शानदार है ये व्यवस्थाएं, काश ऐसा हमारे सरकारी विभाग वाले भी करते। तो जो सरकारी विभाग हैं उन्हें प्राइवेटाइजेशन पे नहीं देना पड़ता। बहुत ही शानदार मेट्रो स्टेशन आगरा का, और मुझे थोड़ी सी प्यास भी लग रही है तो हम देखते हैं यहाँ पर पानी की व्यवस्था कहाँ। यह है हमारे पानी की व्यवस्था, थोड़ा सा पानी पीते हैं। हर जगह पर कहीं पर भी दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, एक तो पानी की व्यवस्था, दूसरा टॉयलेट वगैरह का। तो हम पानी पीते हैं पहले। ओके मज़ा आ गया। अब हम चलते हैं मेट्रो के सफ़र पर। और अपनी टिकट का भी हम ख्याल रखते हैं, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर टिकट आपकी गुम जाए तो दिक्कत आ सकती है। फिर से हम स्लाइडर पर ही चलेंगे। थोड़ा सा हम धीरे धीरे, यहाँ पर पब्लिक भी आ रही है, खासकर किसी काम से नहीं, अधिकतर लोग घूमने के पर्पस से ही आते हैं। ओके ओके और ये हम उतर आए नीचे, ये स्टेशन पर आ चुके हैं और हमारे साथ आप लोग घूमने आए हैं कि मेट्रो स्टेशन में सफ़र करने आए हैं? सफर करने आए हैं, कोई काम तो है नहीं, 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 नहीं। केवल आज मेट्रो का सफ़र करने आए हैं। तो कैसा लग रहा है मेट्रो स्टेशन में? बढ़िया, अच्छा लग रहा है, आगे अच्छा लग रहा है। और आप चाहेंगे कि जैसे कि हमारे देश में जो स्टेशन है और भी वो भी ऐसे स्टेशन होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए। आप लोग मेट्रो सफ़र करके आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ पर कैसा लग रहा है कि एकदम साफ सफाई है? बहुत अच्छा, साफ सफाई है। आप लोग केवल मेट्रो में घूमने के लिए आए थे या कोई काम था? नहीं, मेट्रो में घूमने आए थे हम। तो दर्शकों आज हम आ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर, जो कि आज की हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक, इस मेट्रो स्टेशन का नाम इसलिए रखा गया था डॉक्टर अंबेडकर चौक, क्योंकि यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 18 मार्च 1956 को आगरा में आए थे और अपने समाज सेवियों को जागृत करके गए थे। और यहाँ पर ही सबसे पहले बुद्ध प्रतिमा भी स्थापित करके गए थे। अभी हमारी ट्रेन आने वाली है और यहाँ से हम आज का सफ़र प्रारंभ करेंगे।
रहेगा वैसे ही हम प्रवेश करेंगे। और हम अंदर प्रवेश करते हैं। दर्शकों आज हम मेट्रो का सफ़र निकल चुके हैं, हमारे साथ और भी यात्री हैं, अधिकतर इसमें आज सभी लोग घूमने के लिए ही आए आराम से बैठ के। ये हमारे पास बैठे हुए हैं। आप पहली बार जा रहे हो मेट्रो में? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी अधिकतर इस मेट्रो में केवल मेट्रो के सफ़र को घूमने के लिए लोग आ रहे हैं, काम से क्यों ही नहीं आया कि किसी काम के लिए निकलना है? अभी तो मेट्रो आप देख सकते हैं खाली है, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर लोग अपने काम से भी चलेंगे इसमें। और ये रिलैक्स वाला सफ़र, इसी प्रकार से हमारे देश की सरकारी व्यवस्थाएं भी हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने प्रारंभ की थी दिल्ली से नोएडा तक, नोएडा से दिल्ली तक। और ये पहला स्टेशन, ये पहला स्टेशन आ चुका है ताजमहल का, और हमको जाना है ताज पूर्वी गेट तक। लोग बाग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं मेट्रो का सफ़र। और ये पहला स्टेशन आ चुका है ताजमहल का, और यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है आज की मेट्रो का सफ़र हमारा। और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो लोग बाग हमको भी देख रहे हैं। Sockets for charging of mobile phones are provided by the train. Passengers may avail of this. पता ही नहीं चल रहा कि हम किसी गाड़ी में चल रहे हैं या खड़े हुए हैं। तो ये हम अंडरग्राउंड से बाहर आ गए और आप देख सकते हैं यहाँ पर अंडरग्राउंड से बाहर आते हुए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। बाहर इतनी गर्मी है और अंदर यहाँ पर एसी लगा हुआ है, ठंडी ठंडी हवा में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। ये आप ताजमहल देख सकते हैं, आप देख सकते हैं ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको। मुगलों के द्वारा जो बनाया गया ये अमूल्य ताजमहल, और ये दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन आ चुका फतेहाबाद रोड वाला। फतेहाबाद रोड स्टेशन आ चुका है। ये आगरा के शहर की बिल्डिंग है और आप देख सकते हैं ताजमहल दिखाई दे रहा है आपको, थोड़ा क्लोज करना पड़ेगा।
और ये देखिए ताजमहल देख सकते हैं आप, शाहजहां के द्वारा ये बनाया गया था अपनी बेगम के लिए, ऐसा शानदार स्थल बना के गए हैं वो, आज भी इंडिया के लिए प्रसिद्ध है। हम आ चुके हैं शहीद कैप्टन सुभाष गुप्ता जी स्टेशन पर, और अगला स्टेशन हमारा ही आने वाला लास्ट का। ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि टेम्पो से कम कीमत में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, और अब लास्ट स्टेशन आने वाला है ताज ईस्ट के, हमारा लास्ट सफ़र। और ये मेट्रो स्टेशन में समय समय पर निर्देश दिए जाते हैं कि आप लोग दरवाजों के पास ना खड़े हों। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आज? अच्छा लग रहा है, घबराहट सी हो रही है, वो भी तसल्ली हो गई। अच्छा अच्छा, इनकी थोड़ी सी तबीयत खराब सी हो रही थी, घबराहट सी हो रही थी गर्मी की वजह से। और हम गेट के बाहर निकलते हैं सावधानी पूर्वक। ये लोग बड़े खुशी होते जा रहे हैं, और ये आज का हमारा सफ़र समाप्त हो चुका है। हमारे पीछे जिसका मेट्रो ट्रेन में आए थे हम, वो आगे चल दी। ये आगे अब ये वापस आएगी। ये लोग बच्चे आ रहे हैं, कुछ इनसे भी पूछेंगे कैसा लग रहा है आज मेट्रो में चलते हैं। बहुत मजे आ रहा है, बहुत ज्यादा। केवल किसी काम से आए थे, केवल मेट्रो पर सफर के लिए। आज का आखिरी मेट्रो स्टेशन ताज ईस्ट गेट पर हम उतर चुके हैं, और अब हम वापस नीचे चलेंगे। और दर्शकों हम वापस चलते हैं अपने डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर, जहाँ से प्रारंभ की थी आज की ये सफ़र। फिर से हम स्लाइडर से ही चलेंगे। जब मैं पहली बार दिल्ली में मेट्रो स्टेशन का सब जब मैंने पहली बार मेट्रो में सफ़र किया तो घबराहट होती थी स्लाइडर से उतरने में, लेकिन अब तो आसानी से उतर जाते हैं। और अब हम वापस डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे, फिर से टिकट लेते हैं हम। सबसे पहले मेट्रो का सफ़र करने के लिए फिर से हम टिकट लेंगे। चल रहे और हमने ये टिकट ले चुके हैं द्वारा से, और फिर से सफ़र करते हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक स्टेशन तक। हम स्कैन करवा के आगे निकल चुके हैं, अब मेट्रो के सफ़र में द्वारा से चलेंगे। हाँ ऊपर ही आएगी।
सबसे पहले हम पानी पीते हैं। गर्मी के मौसम में प्यास बहुत लगती है। और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन में तंबाकू वगैरह का खाना वर्जित है। और हम द्वार से प्रवेश कर चुके हैं। कुछ लोग घबरा रहे हैं सीढ़ियों से आने से। और हमारी ट्रेन ये प्रारंभ हो चुकी है। और आप देख सकते हैं मेट्रो ट्रेन को। वाह, बाहर कितनी गर्मी है और यहाँ पर बहुत एसी चल रहा है, तो माइंड फ्रेश हो गया। और दर्शकों, आपको हमारा आज का ये मेट्रो का सफ़र अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। ये ताज ईस्ट गेट है, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और डॉक्टर अम्बेडकर चौक स्टेशन तक हमें यात्रा करनी है वापस से। गेट बंद हो चुका है और हम लोग आज की इस यात्रा के द्वारा से प्रारंभ हो चुके हैं। स्टेशन पर निर्देश मिलते रहेंगे कि कौन सा स्टेशन आ चुका है और उसी प्रकार से वहां पर आज की ये मेट्रो रुकेगी और वहां पर जो भी स्टेशन पर उतरने वाले होंगे वो उतरेंगे। अब ये स्टेशन आ चुका है सही। शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। सबसे बड़ी खासियत ये है यहाँ पे स्वच्छता सबसे बढ़िया रहती है। शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन। अब ये आ चुका है हमारा पहला स्टेशन, शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता स्टेशन। अधिकतर लोग कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। किसी काम से जा रहे हो कि घूमने आए हो? घूमने आए। केवल मेट्रो स्टेशन, मेट्रो का सफर करने आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? जी शाह। नेक्स्ट स्टेशन इज फतेहाबाद रोड। अगला स्टेशन फतेहाबाद से हम आपको ताजमहल दिखाएंगे। यहाँ पर गाड़ी के फर्श पर ना बैठे। हमारा भारत देश जिसके लिए प्रसिद्ध है जो कि ताजमहल। ये देख सकते हैं ताजमहल, आपको घर बैठे ही बिना खर्चे के हम ताजमहल दिखा रहे हैं। फतेहाबाद रोड, डोर्स विल ओपन ऑन द लेफ्ट। फतेहाबाद रोड, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे। और ये दूसरा तीसरा स्टेशन आ चुका है फतेहाबाद रोड स्टेशन। आप देख सकते हैं हम आपको घर बैठे मेट्रो का सफर करा रहे हैं। गार्ड साहब बैठ चुके हैं थककर। ये पर फतेहाबाद रोड स्टेशन आ चुका है। ये बहुत खुश नजर आते हैं मेट्रो का सफर में। कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। सभी लोग घूमने ही आए हैं और ये प्रारंभ हो चुकी है मेट्रो फिर से। नेक्स्ट स्टेशन इज ताजमहल। अब ये स्टेशन ताजमहल।
देख सकते हैं, ताजमहल देख सकते हैं आप लोग। Sockets for charging of mobile phones are provided on the train. Passengers may avail this facility. और मेट्रो के अंदर आप अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। और लेकिन एक बात है, यहाँ पर गुटखा या तंबाकू या नशीले पदार्थ का सेवन नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और आप अन्य ट्रेनों में चले जाएं तो बहुत गंदगी रहती है। ताजमहल स्टेशन आपके पास खुलेगी। थोड़ा सा आगे तक भी चलते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा ठीक है मेट्रो ट्रेन चल रही है या नहीं चल रही है। एक और ये अगला स्टेशन आ चुका है ताजमहल। कुछ लोग उतरेंगे, कुछ लोग चढ़ेंगे। Please stand clear of the doors. कृपया दरवाजों से दूर हटकर खड़े हों। कृपया दरवाजों से उसका खड़े हों। ये हमारे पीछे देख रहे हैं मोबाइल चार्जर है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी मेट्रो ट्रेन। उसके बाद में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी और ये तीसरी बार पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रारंभ की गई है। और अगला स्टेशन हमारा लास्ट स्टेशन डॉक्टर अंबेडकर चौक आ चुका है। अब हम लोग बाहर निकलेंगे वापस। तो दर्शकों, आपने आज हमारे साथ मेट्रो ट्रेन का सफ़र किया तो कैसा लगता है, आपको कैसा लगा, और आप हमारे चैनल पर कमेंट करके भी बता सकते हैं। और हमारे देश में जो और जगह भी ट्रेन मेट्रो ट्रेन है प्रारंभ हो सके उनके बारे में भी बताएं। अब हमारा लास्ट स्टेशन आ चुका है डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन, डोर्स विल ओपन ऑन द राइट। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन। अब आज का ये सफ़र हमारा यहीं समाप्त होता है और ये गेट खुलेगा। कुछ यात्री आने के लिए तैयार। कहाँ है डॉक्टर अम्बेडकर? डॉक्टर अम्बेडकर चौक। अब हम आ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक स्टेशन पर, जो कि हमारे देश के और आगरा के समाजसेवियों के द्वारा इस स्टेशन का नाम रखवाया गया था। और इससे पहले कुछ और नाम था, लेकिन हमारे आगरा के समाजसेवियों के द्वारा ये नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से रखा गया है। तो हम अब वापस चलेंगे। तो दर्शकों, आज का ये सफ़र हमारा समाप्त होता है। हम बाहर निकलते हैं वापस स्लाइडर के द्वारा। और दर्शकों, आज की ये मेट्रो के सफ़र आपको कैसा लगा हमारे साथ कमेंट करके ज़रूर बताना।
थोड़ा सा पानी पीते हैं, प्यास बहुत लग रही है भाई गर्मी की वजह से। और ये पानी की सुविधाएं यहाँ पर जैसे अमेरिका में होती है। तो दर्शकों आज का हमारा ये मेट्रो का सफ़र कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हम स्टेशन के बाहर एक्सिट होते हुए डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन जहाँ से हमने ये यात्रा प्रारंभ की थी। और आज की ये यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। धूम्रपान, खान पान और मदिरा पान से और आज का स्टेशन आने वाले यात्रियों को पहले उतरने कृपया प्लेटफॉर्म पर पीली रेखा को पार न करें, धन्यवाद। स्टेशन के बाहर आते ही आपको गर्मी का एहसास होने लगा है क्योंकि अंदर तो एयर कंडीशनर था। और हम वापस आ चुके हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक मेट्रो स्टेशन पर जहाँ से हमने आज की यात्रा प्रारंभ की थी। तो दर्शकों आज का सफ़र मेट्रो का सफ़र आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। और हम बाहर निकलते हुए बहुत गर्मी धूप ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर चौक है। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे किसी सब्जेक्ट पर, तब तक के लिए। तो दर्शकों आज का ये सफ़र यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले किसी विषय पर फिर से आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तो दर्शकों आज का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है और किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर हम आपको। तो दर्शकों आज का ये सफ़र यहीं पर समाप्त होता है और अगले किसी विषय पर फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं, नमस्कार। आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।